हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में बिंदु, किरण तथा रेखा और रेखाखंड के बारे में, इसके अतिरिक्त और रेखाओं के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिंदु, रेखाखंड और सबके एक एक करके परिभाषा को पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बिंदु क्या है। बिंदु किसे कहते हैं? वह निर्दिष्ट स्थान जिसमें लंबाई, मोटाई, चौड़ाई न हो, उसे बिंदु कहते हैं और इसे हम एक डॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि रेखा क्या है। रेखा किसे कहते हैं? किसी बिंदु के दोनों ओर अपरिमित रूप से विस्तार को रेखा कहते हैं। जिसमें मोटाई, चौड़ाई न हो, इसे हम रेखा को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद किरण। किरण किसे कहते हैं? किसी बिंदु के एक ओर अपरिमित विस्तार को जिसमें मोटाई, चौड़ाई न हो, उसे किरण कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इसको चित्र में देख भी सकते हैं कि आपको चित्र में देख रहे हैं कि केवल एक तरफ केवल तीर का निशान है। फिर इसके बाद हम रेखाखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो रेखाखंड क्या है? दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड को हम एक पाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसको आप देख रहे हैं कि चित्र में आपको पाई पाई करके दिखाया गया है। तो इसको हम पाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा दो या दो से अधिक रेखाएँ जब एक दूसरे के साथ साथ निष्कोण अनंत तक चलती हैं, तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं। समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं, इसको आप देख रहे हैं समांतर रेखाएं। इसके बाद हम पढ़ते हैं लंब रेखा किसे कहते हैं। तो लंब रेखा क्या है? जब दो या दो से अधिक रेखाएँ एक दूसरे को परस्पर काटती हैं और उनके बीच का कोण समकोण हो, तो ऐसी रेखा को हम लंब रेखाएं कहते हैं। लंब रेखाएं हमेशा एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटती हैं। यही इनका इसको हम इसका प्रतिबंध कहते हैं। हम इन रेखाओं को इस तरह से दिखा सकते हैं। कोई दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। रेखा तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? तो वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तो उस रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, चित्र में देख करके आप समझ सकते हैं कि चित्र में किस तरह से रेखाएं दिखाई गई हैं। देखिए इस तरह से रेखाएं खींची गई हैं, तो इसमें देख रहे हैं एक तिरछी रेखा है। इसी तिरछी रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और आप लोग हमारे इस वीडियो को देख करके हमें कमेंट ज़रूर करेंगे, हमें बताएंगे ज़रूर कि वीडियो कैसे लगी प्यारे दोस्तों। और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करना। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।